गुड मॉर्निंग डियर, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस किया था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चंस मैंने किया था। अब देखो एक क्वेश्चन बेटा ये इस तरह का आ रहा है कि मुझको इंटीग्रेशन करो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ रहा है बेटा इंटीग्रेशन। वैसे मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है इसी अपने पहले लेक्चर्स में, मैं वापस से करा देता हूँ बेटा। 1 इंटू डी एक्स है तो इसको 1 इंटू डी एक्स कह सकता हूँ, और 1 को मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तुमने आप बिल्कुल कह सकते हो। और अपॉन में क्या बेटा, तुमने कहा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, इसको अलग अलग कर देता हूँ बेटा। कैसे, तुमने कहा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तुमने आप बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसको ऐसा कह सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तुमने आप बिल्कुल कह सकते हो। तो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कह दूँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कह दूँ cos sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने कहा इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का tan x और cos स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा ये बात है, इस तरह से हम आते हैं। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना। तुमने कहा ठीक है बेटा, cos 2x को मैं ऐसे कह सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। इसको मैं यहाँ पे अलग अलग कर दूँ, देखो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तुमने कहा देखो बेटा ये cos स्क्वायर एक्स इस cos स्क्वायर एक्स से गया, ये साइन स्क्वायर एक्स इस कर गया, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। और ये क्या बच गया, तुमने कहा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, बहुत आराम से बेटा। तो इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस ये बेटा कितना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, बस अब आराम से कर सकते हो बेटा, कितना माइनस cot x माइनस cot x माइनस tan x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। आप देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बेटा, ये cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ये वाला इंटीग्रेशन करना। अच्छा अच्छा ये इंटीग्रेशन करना है हमको, मैंने कहा हाँ। देखो बेटा ये कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, मान लीजिए ये है, तुमने कहा अच्छा ये है, मैंने कहा बेटा सबसे पहला काम क्या करो बेटा, cos का ऐसा फार्मूला जिस इनमें दो सबको cos में ही चेंज कर दे, तो मैं ऐसे कह दूं बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये बेटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, तुमने कहा बिल्कुल बेटा, इसको मैं ऐसे कह दूं ब्रैकेट ओपन करता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस
अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ये बेटा ब्रैकेट ओपन, बेटा ये प्लस का वन ये माइनस का वन गया, इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। बेटा ये कितना हो गया, टू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन अपॉन कितना बेटा, तुमने कहा अपॉन है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब बेटा आराम से देखो, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये डी एक्स है। बेटा मैं इस पर से कह दूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस और टू कॉस अल्फा कांस्टेंट है और डी एक्स, तो बताइए टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने कहा साइन एक्स प्लस टू कॉस अल्फा डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो अब बेटा अब हम इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हम आराम से डील कर सकते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेटा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, इसके आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तुमने कहा ये क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मैंने कहा बेटा देखो जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए बेटा मुझको इंटीग्रेशन करना है, मान लो ऐसा मुझे इंटीग्रेशन करना है बेटा, मैंने कहा इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे साइन एक्स डी एक्स का, तुमने कहा सर इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है, मैंने कहा बेटा अब क्या करना है, जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन टू एक्स डी एक्स का, तुमने कहा साइन टू एक्स का, मैंने कहा बेटा याद रखना कि जब भी यहाँ डी एक्स के साथ ये एक्स है तो एक्स है, तुमने कहा हाँ, तो बेटा इस 2x को t मान लो, उससे क्या होगा बेटा ये 2 इंटू डी एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा dt, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल dt, मैंने कहा तो dx इक्वल कितना dt by 2, तुमने कहा ये लो बेटा dt by 2, तो अब बेटा इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ sin 2x, 2x को मैंने क्या कहा बेटा, तुमने कहा t कहा, और dx को क्या कहा तुमने, तुमने कहा dt by 2, बहुत बढ़िया बेटा, तो अपना इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 बाई टू साइन ऑफ टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन तो मुझे क्या है बेटा, तुमने कहा माइनस कॉस टी, तुमने कहा 1 बाई टू कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह वापस 2x रख दो, 1 माइनस टू कॉस 2x प्लस सी, तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा सिंपल है, आपको ध्यान रखना है बेटा क्या कि जैसे वहां पे जो x का कोफिशियंट डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में होता था, यहां पे डिवीजन में आ जाएगा, तुमने कहा अच्छा, जैसे मैंने कहा बेटा मुझको इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना, तो आप क्या करो बेटा ax प्लस b को t मान लो, तुमने ठीक है, यहां से बेटा a dx इक्वल कितना, तुमने कहा dt, ओके तो dx कितना बेटा, तुमने कहा dt by a, बेटा यहां रख दो तो ये कितना आ गया, यहां रख दो तो कितना आ गया, तुमने कहा ये, मैंने कहा हाँ बेटा ये, तो बेटा देखो ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर टी स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई ए, तुमने कहा अच्छा, और इसको अपन इंटीग्रेट करें तो वन बाई ए टी स्क्वायर डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वन बाई ए टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, दैट इज 1 बाई थ्री ए, और t की जगह क्या रख दे बेटा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, आप आराम से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। अब बेटा तुमने कहा सर हमारे को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है लेकिन अभी थोड़ा और क्लियर कीजिए, मैंने कहा बेटा देखो हमें साइन एक्स का डिफरेंशियल आता, मैंने कहा मुझको इंटीग्रेशन करके बताओ टेन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन करना टेन एक्स का, मैंने कहा हाँ मुझको टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना, तुमने कहा अभी देखो हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं कैसे बेटा, तुमने कहा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये कितना बेटा, तुमने कहा ये डी एक्स है बेटा, तुमने कहा यस,
अब टी उसको माने जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो मैंने कॉस एक्स को टी मान लिया, तो बेटा इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या कह दिया, माइनस डी टी। तो बेटा ये कितना हो गया, अब साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने कहा लॉग ऑफ टी प्लस सी, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या हो गया, तुमने कहा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो बेटा अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल कितना, माइनस को थोड़ा सा ट्रांसफर करें तो लॉग ऑफ कॉस एक्स होल पावर माइनस वन प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है, लॉग ऑफ कॉस एक्स पावर माइनस वन, दैट इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो बेटा अब इस टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो हम कहेंगे माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, या फिर अपन कहेंगे और अपने ऐसा भी कह सकते हैं लॉग ऑफ sec x प्लस सी। ये बेटा हमारा tan x का इंटीग्रेशन आ गया, तुमने कहा यस। इसी तरह से बेटा सेकंड में इंटीग्रेशन करना पड़े मुझे cot x का। अच्छा cot x का इंटीग्रेशन चाहते हो, मैंने कहा बेटा cot x को अपन ऐसा लिख सकते हैं cos x dx अपॉन sin x। अब sin x को t लेट कर लो, तुमने कहा ठीक है बेटा साइन एक्स को टी लेट किया, तो बेटा इसका डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। बहुत बढ़िया बेटा, अब ये तो ऊपर आ गया डी टी और अपॉन टी, दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी, दैट इज हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स कितना हो गया, तुमने कहा लॉग ऑफ ई कॉस ऑफ एक्स नहीं बेटा, को आपने क्या लेट किया था साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। मीन्स हमारे पास इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला याद रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स कितना, तुमने कहा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और या फिर आप इसे भी ऐसे भी कह सकते लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तुमने कहा इसको कह सकते हैं हम लॉग ऑफ साइन एक्स। तो देखो बेटा हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, हमारे पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, सबके इंटीग्रेशन आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, देखो हम वापस से मैं फॉर्मूला लिखता हूं। जैसे हमारे पास है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, कोई कहे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप कहोगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया बेटा, कोई आपसे कहे इंटीग्रेशन करो कॉस एक्स का, तुमने अब बच्चों ऐसी बात है साइन एक्स प्लस। अब बेटा कोई आपसे कहे मुझको इंटीग्रेशन करके बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ टेन एक्स का, तुमने कहा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, तुमने कहा यस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, अब बेटा अब मुझको इंटीग्रेशन कहे कॉट एक्स का, ये मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले इन सबको डेराइव किया, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूले एकदम से लर्न हो जाए, अगर फॉर्मूले लर्न हो गए तो हमारा काम हो गया। तो देखो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, अब हमें सेक का चाहिए। अच्छा सेक एक्स का इंटीग्रेशन चाहते हो, मैंने कहा हाँ मैं sec x का इंटीग्रेशन चाहता हूँ। तो बेटा बिल्कुल रिलैक्स रहना, आप क्या करना कि ये sec x है ना, इसको तो एज इट इज रखना और sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तुमने कहा अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा बेटा अभी रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तुमने कहा ठीक है। अब बेटा क्या करो sec x प्लस tan x को t मान लो, तुमने कहा अच्छा तो बेटा बताओ sec x का डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा sec x tan x, और tan x का डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा sec square x, ओके, और dx
इक्वल डी टी, तुमने कहा बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, तुमने कहा sec x कॉमन आता है, तो sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो देखो बेटा sec x प्लस tan x डी एक्स डी टी, ऊपर डिफरेंशियल पड़ा है ना, बहुत बढ़िया। इसको क्या कह दिया, डी टी अपॉन वाले क्या का टी, दैट इज डी टी अपॉन टी, दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो मीन्स sec x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया बेटा, तुमने कहा log ऑफ sec x प्लस tan x, बहुत बढ़िया, प्लस सी, ये हमारा sec x का इंटीग्रेशन आ गया। तुमने कहा ठीक है, अब sec x का आ गया बेटा, इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं कैसे। तो मैंने कहा बेटा ये जो log ऑफ sec x ये दिख रहा है, log ऑफ जस्ट ए मिनट, अपनों ने अभी इसको इंटीग्रेट किया था, आई इक्वल sec x dx को अपनों ने कहा था बेटा क्या, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी का, तुमने कहा बिल्कुल कहा। तो बेटा अब इसको sin cos में चेंज कर दीजिए, आई इक्वल, तुमने कहा इसको sin cos चेंज करें, तो log ऑफ e वन अपॉन cos x प्लस वन अपॉन sin, तुमने कहा ठीक है, प्लस सी। बेटा थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके दूसरे फॉर्म में लाना चाहता हूँ, log ऑफ e ये बेटा कितना, तुमने कहा जस्ट मैंने tan x को, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, बच्चों ऐसी गलतियां नहीं करनी है, sin x अपॉन cos x tan x, बेटा ये अपन क्या कहें cos x, तुमने कहा यस। अब बेटा ये कितना आ गया, वन प्लस sin x प्लस सी, तुमने कहा यस। आई इक्वल log ऑफ e वन प्लस sin x को अपन ब्रेक करें बेटा किस में, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ log है तो इसको बहुत तरह से कर सकता हूँ, चलो मैं इसको ऐसा बार बार मैं बताता हूँ, वन को sin स्क्वायर x बाई टू, तो ये कुछ इस तरह का नहीं आ रहा है, देखो बेटा ये cos, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, वन प्लस वन साइन को ऐसा लिख दो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, दूसरे मेथड से करते हैं ठीक है, अपॉन कॉस को मैं ऐसे कह सकता हूं साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। तो बेटा देखो एक बात बताओ, प्लस सी, तुमने कहा ठीक, तो बताओ आई इक्वल कितना आ रहा है, तुमने कहा ये आ रहा है बेटा लॉग ऑफ ई वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल में थोड़ा तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, बहुत बढ़िया हमने कहा ठीक। तो आई इक्वल कितना आ रहा है लॉग ऑफ ई, और बेटा यहाँ पे देखो वन से वन अपॉन में कितना था, उनका हाफ एंगल साइन का तोड़ेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख दो जस्ट अ मिनट, ताकि हमें थोड़ा सा कर, देखिए वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स था, मैंने साइन को माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स कर दिया। अब बेटा आई को ऐसा लिख दो बेटा लॉग ऑफ ई, जगह की थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं, वन माइनस कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे वन चला गया, वन प्लस टू साइन स्क्वायर, और बेटा कितना पाई बाई टू का हाफ एंगल पाई बाई फोर एक्स बाई टू, अपॉन अपॉन में कितना बेटा साइन पाई बाई टू एक्स, तो बेटा टू साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तुमने कहा यस, और ब्रैकेट कोज प्लस सी। तो बेटा ये वन से वन चला गया, टू से टू चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो बताइए आई कितना आ गया तुम्हारे पास, तुमने कहा लॉग ऑफ ई टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो मींस हम sec x का इंटीग्रेशन क्या क्या कह सकते हैं, तुमने कहा sec x को आप log sec x प्लस tan x भी कहो, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो log ऑफ tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, देखो अब ये हमारे पास देखो sin x का इंटीग्रेशन आ गया,
cos का आ गया, tan का आ गया, cot का आ गया, sec का आ गया। अब एक और इंटीग्रेशन करते हैं cosec x का। देखो cosec x का इंटीग्रेशन करते हैं, तुमने कहा अच्छा cosec x dx का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो बेटा इसको भी वैसे ही करो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x एज इट इज रख दो और इसको cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये लो भैया, अब बेटा देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब बताओ मुझे cosec x माइनस cot x को t मान लो, तुमने कहा इसका डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा माइनस cosec x cot x और इसका माइनस cosec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल dt। तो बेटा देखो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, cosec x और cosec x माइनस cot x इंटू dx इक्वल dt। तुमने कहा ये ऊपर पढ़ा है बेटा, तुमने कहा यस, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना आ गया, तुमने कहा इसका इंटीग्रेशन आ गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन आ गया ऊपर वाले को तो dt मानता है, तो dt ऑन t दैट इज log ऑफ t प्लस सी। बहुत बढ़िया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल कितना आ गया बेटा, तुमने कहा log ऑफ e cosec x क्या हो गया बेटा, cosec ऑफ x माइनस cot x प्लस सी। बहुत बढ़िया बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब बेटा इसको अगर मैं साइन cos में चेंज करूं तो ये ऐसा नहीं दिख रहा, log ऑफ वन अपॉन साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, तुमने कहा यस, प्लस सी, प्लस टू मैंने कि वन अपॉन साइन एक्स ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं आई इक्वल, इसको आई मान लेता हूं बेटा, आई इक्वल लॉग ऑफ ई वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब कॉस का ऐसा फार्मूला जिससे वन चला जाए, तुमने कहा ये लो बेटा लॉग ऑफ ई वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल में तोड़ दो और इसको भी हाफ एंगल में तोड़ो, तो साइन टू थीटा जैसे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और प्लस सी। देखो बेटा ये वन से वन चला गया, इस टू से ये टू चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, आई इक्वल कितना हो गया लॉग ऑफ ई और ब्रैकेट में एन एक्स बाई अस्सी। बहुत बढ़िया, मीन्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो गया, तुमने कहा एक तो हो गया लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और एक हो गया बेटा लॉग ऑफ ई tan ऑफ x by 2 प्लस सी। दो तरह से कह सकते हैं आप इसको, ऐसे भी cosec x माइनस cot x को माइनस या आगे लगा के इधर प्लस भी कर सकते हो, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब चलिए देखिए मुझको इसका इंटीग्रेशन करना है, वो कह रहा है इंटीग्रेट करो बेटा, ये क्वेश्चन में मुझे वो कह रहा है इंटीग्रेट करके बताओ आप इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर होल 7। ओके बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप क्या करो 3x प्लस 5 को t मान लो, तुमने कहा यस, तो 3dx इक्वल dt, तुमने कहा यस, तो dx इक्वल dt बाई 3, तुमने कहा यस, तो ये कितना हो गया t की पावर 7 dt 1 बाई 3। इसको अपन ऐसा कह सकते हैं बेटा t की पावर 8 अपॉन 3 तो पहले से ही था इंटू 8 प्लस c, दैट इज t को वापस रखें बेटा 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 की होल पावर 8 अपॉन 24 प्लस c। आपने ये इस तरह से इंटीग्रेशन किया, आप चाहते ना तो आप इसको पूरे को x मान लो ऐसे जैसे डिफरेंशियल में मानते थे,
इस पूरे को x मान लिया, अगर x की पावर 1 है, x की पावर कुछ और है, लीनियर के अलावा कुछ है तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर x की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में है और इंटीग्रेशन करना है तो उसे x जैसे ट्रीट कर लो, और वहां पे x का कोफिशियंट यहाँ पे क्या 3 है, वहां पे डिफरेंशियल करते थे तो क्या करता था, मल्टीप्लाई होता था, और इंटीग्रल करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है इंटीग्रेट करो, वो कह रहा है इंटीग्रेट करो 4-9x का होल पावर 5dx। तुमने कहा ठीक है बेटा, 4-9x को t मान लिया, मान लो 4 का डिफरेंशियल 0, -9 dx इक्वल कितना dt, तो dx कितना हो गया बेटा, तुमने कहा -dt/9, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रल कितना हो गया बेटा, तुमने कहा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेटा कितना तुमने कहा -dt/9, और ये कितना बेटा, और ये कितना था मल्टीप्लाई में, जस्ट ए मिनट देखो, ऐसे इसको क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो t की पावर 5 और dx की जगह -dt/5, बहुत बढ़िया बेटा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, i इज -1/9 है बेटा, वन बाई नाइन इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 5 डी टी, ये बेटा तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब ये टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा आई इज -1/9 टी पावर 6/6 प्लस सी, तो आई इक्वल कितना हो गया -1/9, 9×6=54, और टी कितना बेटा, तुमने कहा टी, मैंने कहा हाँ बेटा 4-9x/6+c, तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब अगर मुझे ये बोले बेटा कि इसका इंटीग्रेशन करो, सेकंड थर्ड इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2-3x/4dx, मैं चाहूं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से ही करता हूँ, 2-, आप चाहें तो बाद बोर्ड में आ रहा है इसलिए अपन को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, जेई में आए तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इसको टी माने। तो बेटा तुमने कहा 2 का डिफरेंशियल 0, -3dx/dt, तुमने कहा यस, तो ये कितना हो गया बेटा बताओ, तुमने कहा ये dx की जगह कितना, तुमने कहा dt/-3/ ये कितना बेटा t/4, बहुत बढ़िया। तो इसको ऐसा कह सकते हैं -1/3 × t^-4dt, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या, -1/4 t^-4+1/-3+c, ना बहुत बढ़िया। तो बताइए आई कितना हो गया बेटा, तुमने कहा ये आई हो गया अपने पास -1 + तो 1/9 और 1/3+c, तो बहुत बढ़िया। तो आई आ गया हमारे पास 1/9 × 1/2-3x^3, कितना बेटा 3+c, ये आंसर आ गया तुमने, बहुत बढ़िया। और चौथा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, इंटीग्रेट करो √ax + b/dx, बहुत बढ़िया बेटा। ax प्लस बी को आप मान लो टी, कितना हो गया adx/dt, बहुत बढ़िया। तो अपने पास क्या हो गया बेटा, i इक्वल कितना हो गया, i मान लो i इक्वल अपने पास dx को कह दिया dt/a × और ये कितना रूट है, तो t^2, तो i इक्वल कितना हो गया 1/a × t^2 dt, और बेटा इंटीग्रेशन कितना आ गया बताओ जल्दी से, i इक्वल तुमने कहा 1/a × t^3/2/3/2+c, दैट इज आई इक्वल कितना 2/3a, और t की जगह बेटा क्या रख दू ax + 3/2+c, ये इंटीग्रेशन आ गया। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, मुझको इंटीग्रेशन करना है cos 2x, तुमने कहा अच्छा cos 2x dx का, मैंने कहा हाँ, तो बेटा 2x को t मान लो,
उन्होंने ठीक है बेटा 2x को t माना, तो dx कितना बेटा, तुमने कहा dt, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा dx dt है, मैंने कहा हाँ dx dt है। अब बेटा dx dt है तो अपन ऐसा कह दें dx तुम dt हो, उसने कहा हाँ मैं dt हूँ, तुमने कहा ठीक है। अब बेटा ये बेटा अपने पास dx is to dt by 2, अब ये बेटा कितना cos of t dt by 2 बाहर ले लेते, 1 by 2 cos t dt। अब तुम देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तुमने कहा 1 by 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t plus c, that is 1 by 2 t की जगह वापस 2x plus c, बस आंसर आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन में बेटा देखो ये सेकंड क्वेश्चन को, ये कह रहा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 5x plus, तुमने कहा 5x plus 3 को t मानो, तो ये कितना dx इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा dt by 5, अच्छा dt by 5 तो ये क्या हो गया बेटा, i इक्वल तुमने कहा e की पावर t, dx की जगह dt by 5, तो i इक्वल बेटा कितना 1 by 5, यहां ले आओ e की पावर t। अब बताओ e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा e की पावर t का इंटीग्रेशन, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा e की पावर t, बस काम हो गया बेटा, और t की जगह वापस रख दो 5x plus 3 plus c constant of integration। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ sec square 3x plus 5 into dx, बहुत बढ़िया बेटा, 3x plus 5 को t मान लो, डिफरेंशियल क्या 3dx is dt, तो dx कितना बेटा dt upon 3, इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, तुमने कहा इंटीग्रेशन हो गया sec square t dt और 1 by 3 को आगे लिया, बस हमारा आंसर आ गया, i इक्वल कितना हो गया 1 by 3 और tan t plus t और वापस t की जगह रख दो, तो कितना आया बेटा 1 by 3 tan of 3x plus 5, ये आ रहा है plus c आंसर आ गया। तुमने कहा वाह यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा बेटा बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। अब बेटा देखो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन चाहता है क्वेश्चन नंबर 4 का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, बहुत बढ़िया, देखो साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा बहुत तरीके हैं मेरे पास इंटीग्रेशन करने के, तुमने कहा कैसा, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ बेटा 1 साइन स्क्वायर एक्स, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, मैं बिल्कुल कह दो, तो बेटा इसको ऐसे कह दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, मैं बिल्कुल कह दो, कॉस एक्स को टी मान लो तो साइन एक्स डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा माइनस डी टी, बहुत बढ़िया बस इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, बस काम हो रहा है बेटा, आई इक्वल कितना हमने कहा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, बस तो इंटीग्रेशन करो कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, तुमने कहा आई इक्वल ये हो गया टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और आई की वैल्यू बताओ कितनी बेटा, तुमने कहा ये आ गई टी बेटा तुम कितना हो, उसने कहा मुझको कॉस एक्स माना है तो कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब कहीं और क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है मुझको इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हो, ये कितना बेटा आई इक्वल लॉग ऑफ एक्स ऑन एक्स डी एक्स, तुमने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो इसको डील करना है तो बेटा लॉग एक्स को टी मान लो, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1 बाई एक्स डी एक्स इस डी टी, देख रहे हो डी एक्स अपॉन एक्स पड़ा है तो आई इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा लॉग एक्स को टी माना था और डी एक्स और डी टी को डी टी डी टी, तो बताओ डी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और बेटा बच्चों जैसी बात टी किसको लेट किया था लॉग एक्स को, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आंसर बेटा। सेम क्वेश्चन बेटा सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला, इंटीग्रेट करो sec square of log x upon x,
तुमने टेंशन बिल्कुल मत लो, लॉग एक्स को टी मान लो। तो यहां से बेटा कितना 1/x dx is dt, तो आप देखो dx अपॉन x की जगह dt कर दूं, तुमने बिल्कुल कर दो, तो i इक्वल कितना sec स्क्वायर log x को t माना था, ये dt आ गया। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या, i इक्वल ने का tan t plus c, बहुत ही बढ़िया बेटा, i इक्वल आ गया tan t, दैट इज tan ऑफ log ऑफ x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसा क्वेश्चन है आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको हम डील करते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना, वो कह रहा है इंटीग्रेशन करो e पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी, इसका इंटीग्रेशन ना बिल्कुल करते हैं बेटा, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी, हमने पढ़ा डी एक्स अपॉन, बस खत्म खेल, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को तो टी माना था हमने, अब बिल्कुल इसको तो टी माना था हमने, ये टी हो गया, dx अपॉन ये बेटा कितना dt, अब इंटीग्रेशन आराम में हमने कहा यस e की पावर t प्लस c। हमेशा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक बात को ध्यान रखना है हमेशा, कि हमें t उसको लेट करना है जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल हो, और t लेट करने में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में आ जाए जिसका इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता है, तो हमने कहा ठीक है। अब बेटा देखो ये इंटीग्रेशन है, सेकेंड इंटीग्रेशन है साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये इंटीग्रेशन करना, तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना, मैंने कहा तो बेटा इसमें क्या करो, रूट एक्स को टी मान लो, तुमने कहा यस, तो एक्स इक्वल कितना टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल क्या, डी एक्स इज टू टी डी टी, बहुत बढ़िया बेटा, तो आई इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा आई आ गया साइन ऑफ रूट एक्स तो टी माना था, dx कितना तुमने कहा 2t dt अपॉन तुमने कहा t, बेटा ये t और ये t कैंसिल हो गया, तो i इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt और साथ में 2 मल्टीप्लाई में, बहुत बढ़िया, sin t किसका इंटीग्रेशन होता है, cos t का माइनस का प्लस c, दैट इज i इक्वल माइनस 2 cos ऑफ रूट एक्स प्लस c इज योर आंसर। बच्चों जैसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आई इक्वल कॉस ऑफ क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, बच्चों जैसा बेटा तुमने कहा कॉस क्यूब एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा, तो अब क्या करो कॉस एक्स को टी मान, तुमने कहा इसका डिफरेंशियल क्या, तुमने कहा साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस होता है माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दिया बस, तो आई हमारे पास कितना आ गया बेटा, बच्चों जैसी बात है, तो टी लेट किया था टी और साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी प्लस, ये बेटा तुमने कहा अच्छा अब इंटीग्रेशन करो माइनस टी क्यूब डी टी, अब बताओ इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस टी पावर 4/4 प्लस सी, अब बेटा मेरे पास टी की जगह क्या था कॉस एक्स पावर 4/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर है, तुमने कहा यस। अगला बेटा क्वेश्चन है मुझको इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी, तुमने कहा यार इसको करना चाह रहे हैं, मैंने कहा बेटा तो साइन एक्स को टी मान लो, तो कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, तुमने कहा तो आई इक्वल कितना आ गया बेटा रूट ऑफ टी और कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, That is I equal integration of t power half dt. That is I is t power 3/2 upon 3/2 plus c. That is I is 2/3 e की जगह sin x, तो sin x whole power 3/2 plus c is your answer. बच्चों जैसा क्वेश्चन है आराम से डील कर सकते हैं। बेटा देखो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, मैंने कहा कौन सा, ये क्वेश्चन है बेटा
आई इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एक्स। बहुत बढ़िया, बट इसका डिफरेंशियल ये पड़ा है तो वन प्लस कॉट एक्स को टी स्क्वायर मान लो या टी मान लो, ज्यादा बेटर। तो वन का डिफरेंशियल क्या जीरो और कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी अपॉन टी। तो माइनस कॉस कॉस स्क्वायर डी एक्स इज माइनस डी टी डी टी अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो माइनस लॉग ऑफ ई टी की जगह कितना वन प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से भेजे में एक बात फीड कर दो कि टी उसको ऐड करो जिसका डिफरेंशियल है। अब बेटा ये क्वेश्चन है, तुमने कहा आई इक्वल साइन एक्स डी एक्स अपॉन थ्री प्लस फोर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो मुझे किसको टी मानू, तुमने कहा थ्री प्लस फोर कॉस एक्स को टी मानो। थ्री का डिफरेंशियल जीरो, माइनस फोर साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। तुमने कहा यस, तो आई इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा बेटा आ गया साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी बाई फोर इंटू ई स्क्वायर। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं माइनस वन बाई फोर टी पावर माइनस टू डी टी। आई इक्वल कितना आ गया था, माइनस वन बाई फोर टी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा ये कितना हो गया, आई इक्वल वन बाई फोर इंटू वन बाई टी प्लस सी, विच इम्प्लाइज आई इक्वल वन बाई फोर इंटू वन बाई टी। टी किसको लेट किया था, टी प्लस फोर कॉस एक्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातें हैं आप आराम से डील कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा बेटा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा ये वाला, मैंने कहा हाँ बेटा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई इक्वल टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। तो मैंने कहा बेटा टू एक्स प्लस वन को टी मान लो, तुमने कहा यस, तो टू डी एक्स इज डी टी। तो डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा डी टी बाई टू। अच्छा तो आई इक्वल कितना आ गया, वन बाई टू टू एक्स प्लस वन को मैंने मान लिया टी माइनस वन, टू एक्स को टी माइनस वन मानेंगे। अच्छा और डी टी बाई टू ये बाई टू अपॉन ये टी स्क्वायर। अब अलग अलग करो, वन बाई टू वन बाई टी डी टी माइनस वन बाई टू वन बाई टी स्क्वायर डी टी। अब बेटा ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ टी। बहुत बढ़िया, और ये किसका बेटा, माइनस वन बाई टू टी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा टी की जगह वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो तो बेटा बिल्कुल कर दो बेटा वन बाई, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो आगे रख देते। जैसे मुझे ये क्या आ गया आई की वैल्यू, यहाँ से तुमने कहा आई इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा वन बाई टू लॉग ऑफ टी, टी कितना था बेटा टू एक्स प्लस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने कहा प्लस वन बाई टू, और टी पावर माइनस वन नीचे आती है वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, और सेकेंड क्वेश्चन को देखो, आई इक्वल कितना बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टू प्लस थ्री एक्स इंटू डी एक्स अपॉन थ्री माइनस टू एक्स। अच्छा इसको सॉल्व करना, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं टेंशन बिल्कुल मत लो, थ्री माइनस टू एक्स को टी मान लो।
डिनोमिनेटर को टी मान लो ज्यादा बेटर है, थ्री का डिफरेंशियल जीरो माइनस टू डी एक्स इज डी टी, तो डी एक्स कितना हो गया बेटा तुमने कहा माइनस डी टी बाई टू, बहुत बढ़िया। तो आई इक्वल कितना आ गया बेटा तुमने कहा टू प्लस थ्री इंटू एक्स की जगह यहां से वैल्यू पुट अप करें, तुमने कहा थ्री माइनस टी बाई टू इक्वल एक्स, तो यहां पे x की जगह रख दो बेटा 3 माइनस टी बाई टू इंटू, देखना थोड़ा सा, देखो मैं आपको बता, देखो i इक्वल कितना आ गया, देखो ध्यान से समझना अच्छे से, dx तो माइनस डी टी बाई टू, टू प्लस थ्री और x की जगह में क्या रखो बेटा तुमने कहा 3 माइनस टी बाई टू, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या था, अपॉन में 3 माइनस टू एक्स को t लेट किया था, ये t और dx की जगह dt टी बाई टू और माइनस का आगे माइनस, बहुत बढ़िया। अब i कितना आ रहा बेटा देखो ध्यान से सुन, तुमने कहा माइनस वन बाई टू इन टू, बेटा देखो ध्यान से सुनो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री टी बाई टी इंटू ये टू टी, बहुत बढ़िया। एक टू और आ गया ये वाला, तो बेटा हमारे पास आई इक्वल कितना आ गया वन बाई फोर और डी टी तो आई, तो ये आ गया फोर प्लस नाइन थर्टीन बाई टी, थर्टीन बाई टी गैस और प्लस बेटा माइनस माइनस प्लस थ्री बाई फोर डी टी, टी से टी चला गया, तुमने कहा यस। आई इक्वल कितना आ गया बेटा तुमने कहा आई आ गया माइनस थर्टीन बाई फोर इंटू डी टी बाई टी प्लस थ्री बाई फोर डी टी। अब आराम से आई इक्वल कितना हो गया बेटा तुमने कहा माइनस थर्टीन बाई फोर लॉग ऑफ टी प्लस थ्री बाई फोर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई हमारा आ गया माइनस थर्टीन बाई फोर लॉग ऑफ टी। टी किसको लेट किया था तुमने कहा टी तो आपने लेट किया था थ्री माइनस टू एक्स, हेलो माइनस थ्री माइनस टू प्लस थ्री बाई फोर टी माइनस टू एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है बच्चों, जैसी बात है, दो चार क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आगे और डिटेल में थोड़ा से लेवल वाले क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, एक्स सिक्स को ऐसा लिख दू बेटा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तुमने कहा अच्छा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, बेटा एक्स क्यूब को टी मान लो तो ये बेटा कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी, बहुत बढ़िया। तो आई इक्वल कितना आ गया तुमने कहा ये डी एक्स था साथ में, तो बेटा ये आ गया डी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब बेटा देखो एक बात सुनो, इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास टाइम पर, लेकिन मुझे डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स पता है, बताओ क्या है, तुमने कहा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा तुमने कहा टेन इनवर्स प्लस सी, तो बस इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं यहां पर, ये कितना हो गया tan inverse t plus c, that is tan inverse, इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करना बेटा, tan inverse t, ये कितना था x cube plus c, ये आंसर आ गया, तो मैं बहुत बढ़िया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मैं ऐसे कह दूं, तुमने कहा कैसे बेटा इसको x square into x dx कह दूं, तुमने कहा बहुत बढ़िया, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री है ना, बहुत बढ़िया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिया, तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये कितना हो गया तुमने कहा टू एक्स डी एक्स इज डी टी, बहुत बढ़िया।
इंटीग्रेशन मुझे करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर की जगह टी माइनस वन, बहुत बढ़िया जबरदस्त। और यहाँ पे डी एक्स डी एक्स, इस एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ, तुमने एक्स डी एक्स जगह डी टी बाई टू, ये बाई टू, और नीचे क्या लिखा रखना है बेटा टी टी क्यूब, तुमने कहा अच्छा अलग अलग कर रहा हूँ, वन बाई टू टी अपॉन टी क्यूब डी टी माइनस वन बाई टू इंटू डी टी अपॉन टी क्यूब, तुमने कहा बहुत बढ़िया। आई इक्वल कितना हो गया, वन बाई टू टी अपॉन टी क्यूब, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर माइनस टू डी टी, एक टी तो कैंसिल हो गया, ये कितना माइनस वन बाई टू टी पावर माइनस थ्री डी टी, बस आराम से इंटीग्रेशन कर दो। आई इक्वल वन बाई टू टी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस वन बाई टू और टी पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, प्लस सी अब टी की जगह वैल्यू रख, माइनस वन बाई टू इंटू वन अपॉन टी, टी कितना रखा था एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन एस प्लस वन बाई फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना बच्चों, जैसा क्वेश्चन है। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक्स क्यूब वन माइनस, ये कैसे लिखा है बेटा अपने पास क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं अपन, ये क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं। ये इंटीग्रेशन है बेटा एक्स पावर फोर डी एक्स ऑन वन माइनस एक्स क्यूब पावर टी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी मत करो बेटा, वन माइनस एक्स क्यूब को टी मान लो, ठीक। तो यहां पर यहाँ टी की जगह बेटा मैं फाइव कर दू तो ज्यादा अच्छा, तुमने कहा तो ये इसका डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। तो यहां से मुझको बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना, तुमने कहा माइनस डी टी बाई थ्री, बहुत बढ़िया बेटा। और यहां से एक्स क्यूब कितना, तुमने कहा वन माइनस टी, बहुत बढ़िया। तो ये जो आई आ रहा है बेटा यहाँ पे एक्स फाइव है, तुमने कहा हाँ एक्स फाइव है, एक्स फाइव की जगह मैं अगर कह दूं, अगर मैं इस तरह से कह दूं बेटा कि एक्स फाइव की जगह मैं एक्स क्यूब कर दूं, एक्स क्यूब की जगह कितना वन माइनस टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन थ्री और माइनस को आगे ले लिया, बहुत बढ़िया। और नीचे क्या है बेटा, मैंने कहा टी क्यूब, अब आराम से अलग अलग कर दो, आई इक्वल माइनस वन बाई थ्री वन बाई टी क्यूब डी टी माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री डी टी अपॉन टी स्क्वायर, एक टी कैंसिल हो गया, अब तो आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। आई इक्वल माइनस वन बाई थ्री टी की पावर माइनस थ्री का टी की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस वन बाई थ्री टी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस वन, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा वन बाई सिक्स इंटू वन अपॉन टी, टी किसको लेट किया था बेटा, थोड़ा सा देख लो बेटा इसको अपन पास, ये बताओ क्या आ जाएगा, तुमने कहा ये प्लस सी तो अपने साथ है ही है, टी की जगह वैल्यू कर दो, क्या टी की जगह हम क्या रख देंगे वन माइनस एक्स क्यूब, बस हमारा आंसर बच्चों जैसी। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम आराम से डील कर सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा कि टी लेट करना है, अब इस अप्रोच में मुझे केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि मुझको टी लेट करना है, टी लेट करो, टी उसको लेट करो जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल हो, ठीक, और फिर से इस फॉर्म में ले आओ जिसका डिफरेंट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं।
और मैं और थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस बनाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।